ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग फंक्शन. ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शन पे बेस्ड है. कि हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग के कौन कौन से प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं. मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे PHP के अंदर स्ट्रिंग दो तरीके से लिखते हैं. सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंग को दो अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं. एक होता है डबल कोटेशन के अंदर लिखना और दूसरा होता है स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन के अंदर. मैं आपको बताना चाहता हूँ डबल कोट में जो अपन स्ट्रिंग लिखते हैं वो स्ट्रिंग आपका इंटरप्रेटर के थ्रू इंटरप्रेट होता है, पार्सिंग होती है उसकी और उसके अंदर का जो डाटा होता है वो एग्जीक्यूट होता है. लेकिन यदि आपने सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखा उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता, जैसा आपने एग्जैक्टली लिखा वैसा का वैसा डाटा ही क्या होता है आपका डिस्प्ले हो जाता है. इसलिए जैसे आप नॉर्मली कोई वेरिएबल को डबल कोट में लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया डॉलर ए और मैंने दे दिया 10 और मैंने यहाँ पे डॉलर ए लिया. अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको डॉलर एस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस केस में आपको आउटपुट 10 मिलेगा. लेकिन यहीं पर यदि मैं लिखता हूँ इको, यहाँ पर इसी में इसी प्रोग्राम के अंदर यदि मैं इसको सिंगल कोड में लिखता हूँ, सिंगल कोड के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर ए, तो आपको इसी प्रोग्राम में जो आउटपुट मीलेगा इसमें डॉलर ए मिलेगा. तो देयर मीनिंग इज दैट कि डॉलर ए क्यों मिला, क्योंकि सिंगल कोड का जो स्ट्रिंग होता है वो जो आप लिखते हो वही प्रिंट करता है, लेकिन जो डबल कोड का स्ट्रिंग होता है वो उसको रेंडर करके प्रिंट करता है. ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम चाहें तो चला भी सकते हैं. PHP में क्या होता है, डाय होता है, डाय के थ्रू आप जहाँ तक का कोड चलाना चाहते हो वहाँ तक का कोड चला सकते हो. नीचे का कोड क्या हो जाएगा आपका, डाय हो जाएगा. ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए अच्छा मेथड होता है. इसलिए मेरे पास जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर मैं डाय लगा देता हूँ एंड नाउ आई विल एविल्यूट दिस स्क्रिप्ट. मैंने यहाँ पे मैनेज किया, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड डॉलर एस, जस्ट अ मिनट. इको डॉलर एस हियर हियर सेमीकॉन विल बी. ठीक है, एक भी सेमीकॉन यदि अपन ने मिस किया तो नीचे के सभी लाइन को मैनेज कर देगा. देखो इसमें डॉलर ए ही आपको प्रिंट होके आ रहा है. लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या लगाया, यहाँ पे डबल कोटेशन में डॉलर ए लगाया. ठीक है, आई विल यूज़ डॉलर ए ऑन डबल कोटेशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है आपको 10 मिल रहा है. तो दैट इज़ द डिफरेंस, मीन्स डबल कोट विल प्रोसेस एंड सिंगल कोट विल नॉट प्रोसेस. मैंने इसको कमेंट कर दिया. ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग का जो पहला फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड strlen, बताना चाहता हूँ. ये स्ट्रिंग का साइज बताता है. ठीक है, जैसे आपके पास स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें आपको नंबर आप जितने भी कह रहे, जितनी इतनी बड़ी स्ट्रिंग है अब उसको मैं एक एक करके गिनूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा. अब मुझे ये पता करना है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. इसने बता दिया कि 33 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ का यूज़ बहुत सारी जगह होता है. जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना होता है तो आप उसके लेंथ के थ्रू उसको ट्रैवर्स कर सकते हो. ठीक है, जैसे मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर कितने व्हाइट स्पेस हैं ये प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा आई कोस टू जीरो आई लेस देन strlen आई प्लस प्लस, और मैं इसमें स्पेस को काउंट कर सकता हूँ. तो ऐसे लॉजिक जहाँ पर आपको स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, स्ट्रिंग में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपका ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्ट्रिंग के सभी टास्क के लिए ये इंप्लीमेंट होता ही होता है. ठीक है, इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है, नाउ आई विल कमेंट दिस, क्योंकि मैंने इस फंक्शन के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया. अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको str2 अपर और str2 लोअर के बारे में बताता हूँ. str2 अपर और str2 लोअर जो होता है ये अपर केस और लोअर केस में डेटा को चेंज कर देता है. ठीक है, इसका काम होता है केसिंग को कन्वर्ट करना. जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि ईमेल आईडी आप जीमेल में कैपिटल में भी लिखते हो और ईमेल आईडी आप स्मॉल में लिखते हो तब भी वो लॉगिन कर देता है. क्यों कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसने str2 और str मतलब अपर और लोअर नाम से मेथड्स लगाए हुए हैं कि यदि आप बाय डिफॉल्ट अपर में भी देते हो तब भी वो उसको लोअर में चेंज कर देता है. लोअर में देते हो तो वो लोअर में ही रहेगा. इसलिए अपन कभी बहुत सारे ऐसे लॉगिन आपने देखा होगा जहाँ पर आपका जो केसिंग होता है वो मैटर नहीं करता, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल हेलो स्मॉल में लिया है. जैसे मैंने str2 अपर किया वो हेलो आपको कैपिटल में मिल रहा है. मैं चाहूँ तो मैं हेलो इस तरीके से ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने HELLO लिखा तब भी ये क्या करेगा, उसी टाइप का आउटपुट आपको शो करेगा. इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको डाय नाम से जो फंक्शन मतलब सॉरी रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग रिवर्स का काम क्या होता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, दैट थिंग आई एम डिक्लेयरिंग. आपको पता है नाम से क्लियर होगा स्ट्रिंग रिवर्स का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कराना. ठीक है, दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग ऑन रिवर्स डायरेक्शन. तो ये स्ट्रिंग आपका क्या हो गया, आपका रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट हो गया. इसके बाद बात करते हैं अपन स्ट्रिंग पोजीशन की. यह नाम से क्लियर है कि यह किसी भी स्ट्रिंग के अंदर का पोजीशन, जैसे आपको ये पता करना है कि भाई
ऊपर जो हमारे पास हेलो दिया हुआ है, इस हेलो में ओ का क्या पोजीशन है, तो आप इसकी जो पोजीशन काउंटिंग है वो आपको बता देगा। चार नंबर का पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4। ये पोजीशन काउंट कहाँ से करता है? जीरो से करता है। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन, स्ट्रिंग का इसमें क्या है आपका, कंपैरिजन है। स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे करेंगे, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग। स्ट्रिंग का कंपैरिजन करने के लिए आपको strcmp नाम से एक प्रीडिफाइन मैथड होती है, दैट मैथड आई विल यूज़। यहाँ पर अपन ने डॉलर ए दे दिया, यहाँ पर डॉलर बी दे दिया, स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर अपन ने डॉलर ए कॉमा डॉलर बी दिया। यदि ये कंपैरिजन क्या है आपका, आपस में यदि बराबर है स्ट्रिंग तो क्या बताएगा, ये इक्वल बताएगा, और यदि स्ट्रिंग बराबर नहीं है उस केस में क्या बताएगा, ये नॉट इक्वल बताएगा। तो दैट इज़ द कंसेप्ट फॉर स्ट्रिंग। यहाँ पे देख सकते हो आप ये क्या बता रहा है, नॉट इक्वल बता रहा है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग आपस में बराबर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया तो ये दोनों स्ट्रिंग आपस में, तो जब भी आपको कोई भी स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है तो वहाँ पर आप स्ट्रिंग कंपेरिजन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ बराबर नहीं बताएगा, ग्रेटर देन और लेस देन भी बता सकता है। यहाँ पे यदि आप ग्रेटर देन लगा दोगे तो वो ग्रेटर भी बताएगा, लेस बता लगा दोगे तो लेस भी बता देगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लोड एंड एक्सप्लोड। ठीक है, इम्प्लोड एंड एक्सप्लोड, ये फंक्शंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इम्प्लोड और एक्सप्लोड फंक्शंस की जो एक्टिविटी है ये हर इंटरव्यूज़ के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन है कि इम्प्लोड क्या होता है, एक्सप्लोड क्या होता है, कैसे काम होता है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एक्सप्लोड होता है, जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग को मुझे एरे में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए एक्सप्लोड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपका जिस पर्टिकुलर सेपरेटर, जैसे इसमें सेपरेटर क्या है, कॉमा है, तो आप यहाँ पे कॉमा लिख करके स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग एक्सप्लोड। इसका जस्ट अपोजिट, जैसे आपके पास कोई एरे है और उसको यदि आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपन इम्प्लोड यूज़ करेंगे। आप इसका आउटपुट देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ दिस वर्क। यहाँ पर जैसे मैं लिखूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पहला वाला जो आउटपुट आपको मिल रहा है दैट इज़ द आउटपुट ऑफ एक्सप्लोड, और ये जो दूसरा वाला आउटपुट आपको मिल रहा है दैट इज़ द आउटपुट ऑफ इम्प्लोड। तो आप एक्सप्लोड इम्प्लोड दोनों को समझ सकते हो बहुत आसानी से। इसके बाद पीएचपी के अंदर कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे आपको कभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको कोई भी ASCII कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप CHR यूज़ कर सकते हो। अपोजिट कि किसी भी कैरेक्टर का आपको यदि ASCII कोड निकालना है उसके लिए आप ORD यूज़ कर सकते हो। तो आप इन फंक्शंस का यूज़ भी करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे देखूँगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHR। ठीक है, यहाँ पे ASCII कोड दूंगा तो ये क्या करेगा, कैपिटल E प्रिंट करेगा, ORD दे दूंगा तो यहाँ पे 65 प्रिंट करेगा। इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद रिपीट, रिपीट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी डाटा को मल्टीपल टाइम दिखाना है, सेम डाटा को, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पे नाम SCS। ठीक है, SCS मैंने दे दिया 12 टाइम, तो ये SCS 12 टाइम दिखाएगा। ठीक है, SCS। इसके बीच में यदि आप यहाँ पे दे देते हो BR, ठीक है, तो ये इसको न्यू लाइन, मतलब HTML में ये पूरा SCS को न्यू लाइन में कर देंगे। HR दे दोगे तो हॉरिजेंटल और रो में कर देंगे। इस तरीके से आप जैसे कोई भी कंटेंट को आपको इस तरीके से रिपीट कराना है, बार बार प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप STR रिपीट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ रिप्लेस, ये फंक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका मेन काम होता है कि जैसे किसी भी स्ट्रिंग में आपको कोई भी डाटा को रिप्लेस करना है, जैसे वेलकम करके दिया है मैंने, मुझे वेलकम को रिप्लेस करना है किससे, WEL को रिप्लेस करना है T से, तो आप इसमें रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये भी स्ट्रिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया कि स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, वैसे आप स्ट्रिंग की बहुत बड़ी लिस्ट है, आप 30-40 फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर आगे जो मोस्ट, क्योंकि आपको पता है कि 30-40 फंक्शंस आप याद नहीं रख सकते हो, इसलिए जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनका मोस्टली यूज़ किया जाता है, दैट फंक्शंस आई एम डिस्कसिंग हियर। यदि आपने ये फंक्शन समझ लिया तो बाकी फंक्शंस भी आप आसानी से समझ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर दिस सेशन।